मंडल मुख्यालय पौड़ी को निकाय चुनाव से पहले ई ऑटो की सौगात मिलने जा रही है, जिसके लिए ट्रायल भी पौड़ी की सड़कों पर चल रहा है। अब अंतिम ट्रायल के बाद ई ऑटो पौड़ी की सड़कों से दौड़ते हुए नजर आएंगे। ई ऑटो ट्रायल के लिए 3 सदस्यों का दल चयनित किया गया था, जिसमें नया तहसीलदार कोतवाल पौड़ी और परिवहन अधिकारी ट्रायल में मौजूद रहे। इस दौरान पौड़ी बस स्टेशन से ई ऑटो एजेंसी चौक, नया बस अड्डा, कडोलिया मंदिर होते हुए आरटी ऑफिस के रास्ते नीचे उतरा। नगरपालिका अध्यक्ष यशपाल बनाम ने बताया कि जिस तरह से ही पौड़ी में ई ऑटो दौड़ रहा है, जिसको देखकर उन्हें पूरी उम्मीद है कि इसका ट्रायल भी मानकों के अनुसार सफल रहेगा। आने वाले कुछ समय में चुनिंदा मार्गों में ही ई ऑटो को चलाया जाएगा। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। इन्होंने और मैं खुद भी गया हूँ, सारी चढ़ाई हमने जो पौड़ी की टोटल चढ़ाई है, एकमात्र कंडोला चढ़ाई से छोड़ के, हालांकि उसमें भी चढ़ जाएगा, लेकिन वहाँ इस तरह की हमें ज़बरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद जैसे आर आई साहब ने बताया कि डीएम साहब हमारा सौभाग्य के भी डीएम साहब को मैंने अवगत कराया, यहाँ पे उन्हें रोका नहीं है। और डीएम साहब के बाद कमिश्नर साहब की जो बैठक होती है, उसके बाद इसको नगर पालिका को परमिट दिया जाएगा। और हम चाहते हैं इसमें आर आई साहब युवा भी अगर इसको करना चाहते तो उन्हें परमिट दिए जाने पर आगे विचार किया जी, और प्रदूषण मुक्ति भी होगी। अगर ये प्रशिक्षण अच्छा रहा, बस स्टैंड से शुरू करते हुए और ऊपर नए बस अड्डे से ऑफिस रखी था, उसको रोकते हुए हम पूरी जितनी चढ़ाई थी उस पर हमने रोकने के बाद दोबारा उसको स्टार्ट करने को थी। एक बार क्योंकि जाम की स्थिति है, उसको ट्रायल को भी देखा गया और ये आगे भी किया जाएगा और अभी इसमें आगे जो भी स्टेप होगा वो किया जाएगा। ठीक है।